देख रहे हैं सुराही रानी न्यूज चैनल उत्तराखंड, जो कि आपदाओं की दृष्टि से हमेशा ही बेहद संवेदनशील माना जाता है। इस बार उत्तराखंड में 6 डॉपलर रडार बनाने की घोषणा की गई है, जिससे कि मौसम विभाग को मौसम की सटीक जानकारी मिल पाई। तो आइए मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। देखिए, डॉपलर रडार जो रडार है, एक हमारा लगा मुक्तेश्वर में है और दूसरा अभी जो है जो सुरकंडा जी में है, वो भी लग तो चुका है, लेकिन उसका जो संचालन है वो शुरुआत हुई, तो अगले वीक से उसकी संभावना है कि उसका जो है चलना शुरू हो जाएगा, तो फिर उससे भी जो है चीजें हमको मिलेंगी। देखिए, जो रडार है, जिसमें मैंने पहले भी बताया कई बार जो है, तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग वेदर सिस्टम है, तो इस समय कहां आपको एक्टिविटी हो रही है वो उसमें पता चलता है, और हर क्योंकि 15-15 मिनट में ही देता रहता है प्रोडक्ट्स जो है, तो आप उससे देख सकते हैं कि हाँ जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू कर रही है या खत्म हो जा रही है, तो उस चीज को एसेस करके देख के, तो जो नाव कास्ट है उसमें इसको यूज किया जा सकता है, जो इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो एक चीज तो वो है, दूसरा चीज ये कि हाँ इसका जो डेटा वो मॉडल्स में भी एसिमुलेट होगा, तो जो मॉडल की फोरकास्ट भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, तो आएगा, तो ये चीज है उसमें, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग है। और इससे बिल्कुल फायदा है कि उसमें खासकर ये रहता है कि हाँ किस लोकेशन में अभी जो एक्टिविटी चल रही है, लोकेशन स्पेसिफिक आप कह सकते हो उस चीज को, और कितनी देर और एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला हर 10-15 मिनट में उसका जो है नया प्रोडक्ट मिल जाता है, तो पता भी लगता रहता है कि हाँ कितनी एक्टिविटी है और आगे भी चल रही है कि नहीं चल रही है, तो वो चीजें जो है बिल्कुल, और लार्जर एरिया पे एट ए टाइम आप इसको देख सकते हैं, तो इसका रेडियस जो करीब 100 किलोमीटर का है, तो उतने रेडियस में चारों तरफ अपने जहां पर भी स्टेशन है उसके चारों तरफ 100 किलोमीटर को वेदर मॉनिटरिंग कर सकता है, तो बिल्कुल वो यूजफुल है नावकास्ट के लिए, खासकर यूजफुल है, और इससे जो मॉडल फोरकास्ट भी उसमें भी ये डेटा सिमुलेट होता है, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।